YouTube का कसाई is back. आज तो समझ गए होगे कि YouTube का कसाई करने क्या वाला है. YouTube का कसाई फुल अमीर हो चुका है और सब चीज अपग्रेड हो चुकी है. जैसे iPhone अपग्रेड होता है वैसे YouTube का कसाई भी अपग्रेड हो गया है. अब YouTube का कसाई मतलब हल्के में आएगा ही नहीं, मतलब उसका फुल टाइम स्वैग हो चुका है. भिड़ू, आज हम करने वाले हैं टर्की को ज़िबा, जो हम इतने दिनों पहले लेकर आए थे. हम टर्की को सेवा करके और फिर हम उसको पकाएंगे भी. तैयार हो मेरे बॉयज? तो लेट्स गो. YouTube के कसाई का स्वैग ही अलग हो गया है. YouTube का कसाई हो चुका है फुल टाइम खतरनाक. इतना खूबसूरत आपने कसाई देखा है कभी? चेक कर रहे हो? और आपके भाई के शागिर्द भी मौजूद है माशाल्लाह से. इन सबको मैं काम सिखा रहा हूँ. और अगर आपको भी कसाई वाला काम सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो. कभी देखा है तुम लोगों ने कसाई को व्लॉगिंग करते हुए? आपका भाई है कसाई. हम सब अपग्रेड हो चुके हैं अब. और हमारी छुरी चेक करो. अरे भाई साहब, अरे भैंस की टांग, इससे जानवर क्या इंसान भी पूरा ज़िबा हो सकता है भिड़ू. तो क्या बोलते हो फिर? आज तो बहुत मजा आने वाला है. तुम कहाँ थी इतने दिनों से? अरे बीड़ू, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया. अरे माशाल्लाह, तू बहुत ही ज्यादा ठरकी है बीड़ू. तुझे पता है ना हम तेरे साथ क्या करने वाले हैं? अरे बीड़ू, आज तो मजा आने वाला है. पता है ना तुम्हें आज हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं? बताओ बताओ. हाँ, मेरे को पता है तुम मेरे साथ क्या करने वाले है. तू बहुत ही ज्यादा पेश आदमी है, तेरी मैं वाट लगा दूंगा. नहीं 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 टर्की भाई, ऐसा मत करेगा. YouTube का कसाई हूँ इकलौता, अगर मैं चला जाऊंगा तो फिर कौन YouTube का कसाई बनेगा? अच्छा ठीक है, तू कर दे मुझे ज़िबा. अरे बीड़ू, पॉइंट ऑयल. क्या हम आपको ज़िबा कर सकते हैं? है ना, इतनी देर हो गई आप कुछ बोल ही नहीं रहे. कर दो. बॉयस, अब तुम लोग सब तैयार हो जाओ. अभी क्या टट्टी कर रहे हो, जल्दी से सारे खड़े हो जाओ. तो चलते हैं फिर, लेट्स गो. अरे दाद, फिर कर दे इसको बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर. अरे गधे, थोड़ा सा सबर करो. रुको, जरा सबर करो, अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुई है. को वहाँ पर ज़िबा करके पका के पेटू में ले लेंगे भीड़ू. दाद यार बस बहुत हो गया, बस अब इसको ज़िबा करते हैं यार, चलो यार. अरे पागलो, थोड़ा सा सबर कर लो. तुम लोगों को पता नहीं किस बात की जल्दी है. अरे भाई साहब, हमने इस ठरकी को रखवाया हुआ था अपने प्यारे से दोस्त के घर पे. ठीक है फिर हम ले जाना. ले जाए यार, ले जाए. अरे ठरकी भाई, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, बहुत प्यार से करूंगा. चलें फिर. अरे चल भी ले. तू तो भाग गया, अब घर ही नहीं जाएगा. अबे भैंस की टांग, हमने धोखा दे के भाग गया. ये देखो, वो तीन दफा और नहीं कर चुका. भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, हम अपनी लैंड क्रूजर में बैठ चुके हैं और अपने ठरकी भाई को भी हमने लैंड क्रूजर में बिठा दिया है. और ठरकी भाई को हम अपने घर लेकर जा रहे हैं. भाई कितनी देर में पहुंच जाएंगे हम? आप टेंशन ही ना लो, तीसरे पे चौथे पे पहुंचे. ओके हो गया, तीसरे पे चौथे पे पहुंचे. अबे यार, हमारी लैंड क्रूजर का पेट्रोल खत्म हो गया, अभी हम आए पेट्रोल डलवाने. और हमारी लैंड क्रूजर चेक करो माशाल्लाह, सुभान अल्लाह. ठरकी भाई हम पेट्रोल डलवा लें फिर आपको लेके चलेंगे. ठीक है ठीक है. उस्ताद पेट्रोल पूरा डालना, तीसरे पे चौथे पे पॉइंट ऑयल हो जाए. अरे बीड़ू, ये काट लेता है, इसके पॉइंट ऑयल को नहीं छेड़ो. टर्की भाई, यहाँ तो बहुत सारी गर्ल्स घूम रही है. अरे बीड़ू, टर्की भाई मुझे लगता है यूनिवर्सिटी की छुट्टी हुई है, तभी यहाँ पे हर जगह गर्ल्स. अपनी नजरें नीचे रखो. माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, अब हम फाइनली इसको शॉपिंग मॉल में ला चुके हैं और अब हम करेंगे इसकी शॉपिंग. टर्की भाई को हम शॉपिंग कराएंगे. अबे उस्ताद, तो बोल लेते किसको ज़िबा करेंगे. अरे बीड़ू, क्या इसके कपड़े वपड़े लेने आए हो उधर? अरे बीड़ू, कपड़े नहीं लेने आए हम इसकी. फिर क्या करने आए हो यहाँ पे? हम इसकी शॉपिंग करने आए हैं. रुको जरा सबर करो, अभी सब पता चल जाएगा. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आ जाओ. टर्की भाई, ये कौन सा शॉपिंग मॉल है यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा. टर्की भाई, अरे उस्ताद आरजे शॉपिंग मॉल है. अच्छा जी, हम जा कहाँ पे रहे? अरे चलो तो सही, अभी पता चल जाएगा भीड़ू. आ जाओ, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. टर्की भाई, हम वही शॉप पर आ चुके हैं जहाँ से आपकी शॉपिंग होगी, jmart.pk. अरे वाह 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 वाह, चले शॉपिंग करने के लिए. चलो चलो. अबे यार उस्ताद, बहुत हो गया, चलो यार मुझे भूख लग रही है यार. अरे भाई रुको जरा सबर करो.
यो भाई टर्की भाई की आज फुल टाइम शॉपिंग होगी। टर्की भाई को इतनी सॉरी चीज देख के तो मुंह में पानी आ रहा होगा। टर्की भाई बताओ हम क्या क्या लें? अरे भाई साहब यहाँ तो इतनी सॉरी चीजें मौजूद हैं। यार इस्त्री लेना टर्की भाई आपके लिए। अरे बीड़ू ऐसी कोई चीज लेंगे जिसमें हम आपको ज़ेबा करके पका सके। क्या लें क्या लें, इसमें तो इतनी सारी चीजें हैं। आप बताओ ना हम क्या लें यार, बता दो। अबे उस्ताद एक काम करते हैं इसके लिए ये ले लेते हैं, बड़ी गंदी बदबू आ रही है इसके अंदर से। अरे बीड़ू तेरे पास से भी गंदी बदबू आ रही है, इसको रख। ऐसी कोई चीज लेनी है जिसके अंदर हम इसको पकाएं। यार भाईजान मुझे कोई ऐसी चीज दिखा दे कि टर्की भाई को हम पका के खा सके। कोई ऐसी चीज है आपके पास? बहुत सारी हमारे पास ऐसे आइटम है जिसमें ये पक जाएगा आराम से। अरे मजा ही आ गया। मगर यार ये तो जितनी भी चीजें आपके पास रखी हुई है ये तो सारी महंगी महंगी चीजें लग रही है। नहीं भाईजान ये हमारा jmart.pk कराची में सबसे ज्यादा सस्ती इलेक्ट्रॉनिक हम बेचते हैं, कोई भी हमारे जैसे रेट नहीं दे सकता आप लोग। अरे मजा ही आ गया भीड़ू। अरे क्या मैं सस्ता आदमी हूँ जो तू मेरे लिए सस्ती सस्ती चीजें ले रहा? अरे टर्की भाई अभी हमारा बजट कम है ना, क्योंकि अभी 4 लाख सब्सक्राइबर नहीं हुए। यहाँ पे सब कुछ सस्ता मिलता है, सब कुछ सस्ता, हर एक चीज आपको सस्ती मिलेगी। फिर कोई टर्की भाई के लिए कोई प्यारी सी चीज निकाल दे जिसमें पक्के हमारे पेटू में आ जाए। यार भाईजान ये क्या चीज है? ये है भाईजान मीट ग्राइंडर। आप इसके अंदर गोश्त का कीमा कर सकते हैं और इसको इसका कीमा करके आप बना सकते हैं सीख कबाब बनाना आप फाद भाई। एयर फ्रायर है, इसके अंदर भी ये पक सकता है, ठीक है। आप इसके अंदर बिना तेल के उसके इसके अंदर आप इसको पका सकते हैं। अरे भाई साहब बहुत महंगा लग रहा है भाई, ये सिर्फ 6,700 का है, मार्केट के अंदर 15,000 रुपए के इसके प्राइस हैं। यार मगर एक बात है, इतने से के अंदर तो ये नहीं आएगा। हाँ भाई आ जाएगा, ये देखो ये जालिया निकाल के दिखाऊं मैं, ये देखो इसको बिठा दो अंदर, इसके अंदर ये चले जाए। अरे बेहतरीन हो गया। मगर हमें ओवन नहीं चाहिए ना, अच्छा ऐसी चीज चाहिए जिसके अंदर सुकून से पक जाए। यहाँ तो सारी चीजें मौजूद है, यहाँ तो चमचे छुरी चाकू सब कुछ मौजूद है, मगर हमारे पास तो छुरी, ये तो कुछ भी छुरी नहीं है जो हमारे पास छुरी है। ये कैसा चूल्हा है यार, टर्की इस पे कैसे पकेगा? ये तो बहुत बड़ा है, ये चूल्हा छोटा है। अरे बीड़ू इस तवे पे तो पूरा टर्की आ जाएगा। मगर हमें तवा नहीं चाहिए, कुछ ऐसी चीज चाहिए जिसको हम टर्की के अंदर डाल के और उसको पूरा पका लें। हम लोग ना ये शेवर भी ले लेते हैं, इसकी खाल उतारने में बड़ा मसला होता है ना, हम इससे पूरी शेव कर देंगे इसकी खोल, क्या बोलते हो? साथ एक काम करते हैं इसके लिए इलेक्ट्रिक चूल्हा ले लेते हैं। अरे पागल हो गए हो क्या, ये इलेक्ट्रिक चूल्हा कितना महंगा है भाई। नहीं बात भाई ये बहुत सस्ता है भाईजान, 7,000 रुपए का स्टोव है, 3,000 वॉट का है ये। अरे मतलब मजा ही आ गया। मगर यार हमें इलेक्ट्रिक चूल्हा नहीं लेना, कुछ ऐसी चीज लेनी है टर्की सुकून से पक जाए, कोई इतनी ज्यादा फटीक ना हो। के अंदर ये बिड़ू जो है बिल्कुल पक जाएगा। ये है कांच वाला एयर फ्रायर है, इसको खोल के भी दिखाता हूँ मैं, के अंदर आप आराम से इसको तकरीबन ये कटने के बाद पूरा आ जाएगा। अरे भाई साहब मतलब मजा ही आ गया, टर्की भाई के लिए मतलब शॉपिंग हो गई। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह टर्की भाई के लिए एक चीज हमने फाइनल कर ली है और ये बहुत बाप चीज है। टर्की भाई मुबारक हो, देख रहे हो आपके लिए कितनी टाइट चीज मैंने खरीद ली है भाई, इसको जल्दी से निकाले ना यार। अरे भीड़ू सच में मैंने ऐसी चीज नहीं देखी कभी, इसको बिठाओ पूरा आ जाएगा। अरे भाई साहब कटने के बाद तो ये पूरा अबे हाँ जाएगा, सिर्फ बिना तेल के पकेगा, सिर्फ आप तेल इसके ऊपर लगाएगा, ग्रिल करना हो तो इसकी चीजें भी दी हुई है। नेक्स्ट लेवल सीन हो गया, टर्की भाई मुबारक हो। यार फाद भाई यहाँ तो सारी चीजें इतनी सस्ती सस्ती हैं। भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम वो भी इतना सस्ता, अगर आप लोग भी चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम इतना सस्ता तो आप इनकी वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं, jmart.pk। डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मौजूद है, आप वहाँ से जाके ये सारी शॉपिंग कर सकते हैं। इनके पास दुनिया जान का सामान है और वो भी इतना सस्ता। फाइनली हम अपने घर पे आ चुके हैं और टर्की भाई की शॉपिंग करके भी आ गए, तो फिर चलते हैं टर्की भाई को हम सेवा करते हैं। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आ जाओ आ जाओ। भाई साहब अभी मैं आपको इसका हिडन टैलेंट दिखाता हूँ, मैं खुद देख के शॉक्ड हो गया, मतलब मैंने बोला अबे ये क्या सीन है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ चलो। अनु इसने टट्टी कर दी। ये अगर कहीं खो भी जाए ना तो सिर्फ इसको सिग्नल देने की देर है। इसके पीछे ये देखो, अबे भैंस के टाइम पता नहीं क्या सीन है यार, ये हम बोलते हैं तो ये भी बोलता है। बस अब इसको ज़िबा करने की तरफ चलते हैं, लेट्स गो। ये भी बेचारा बोल रहा होगा भाई कब से लेके घूमे जा रहे हो, अब ज़िबा भी कर दो, बेचारा थक गया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ता क्यों दरवाजे पे है, जाओ देख कर आओ। चल भाई टांगे पकड़ो इसकी, सही से पकड़, छोड़ियो नहीं वरना वाट लगा दूंगा तेरी में। उस्ताद छोटे उस्ताद आए।
साला दिहाड़ी मार के आया होगा कहीं से। गेट तो खोल, दूर हो बम्बी जैसी औरतों का बच्चा। टर्की भाई आप यहीं पे रुको, मैं छोटे उस्ताद से निमट के आता हूँ, एक मिनट। कितनी दिहाड़ी मार के आया आज तू? आज काफी दिहाड़ी लगी है, आपका हिस्सा देना है। मेरा हिस्सा देना है? सारे मेरे को दे। साला मेरे से ही सीखता है और मेरे पे चौड़ापे दिखाता है। तो दे दो सुमाइला को पैसे देने, जो पोछा लगा रही थी आपकी बनियान से, उसे छीन के लाए हो बनियान। ये मेरी बनियान तुझे कहाँ से मिली? सुमाइला मासी के पास थी। पोछा लगा रही थी, इतनी बास मार रही है ये बनियान। कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, कितना मिस किया। जब मैं तुम्हें पहनता था तो मुझे इतना सुकून मिलता था, मुझे पावर आ जाती थी और मैं ऐसे ऐसे काम कर लेता था जो कोई भी नहीं करता। अच्छा हुआ उस्ताद ये बनियान है, अंडरवेयर नहीं। क्या खुशबू आती है तुम्हारे पास से, तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। साथ बस कर दो, कौन देता है इतनी चुम्मियां वो भी बनियान को। ये जब मेरे साथ होती थी तो मुझे एक अलग ही फीलिंग आती थी। अब आया ना फहद भाई को सुकून। साथ आपकी बनियान में से भी बदबू आ रही है और आपकी बगलों के बाल से भी बदबू आ रही है। ये चुप कर। अब आई ना आपके फहद भाई को फीलिंग। फहद भाई अब बने ना कसाई। इतना सुकून मिल रहा है मुझे ये बनियान पहन के। मेरा सुकून। अब मजा आए ना भीड़ू। चलो भाई बस बहुत हो गया, अब इसको जिबा करते हैं। वो टांगे पकड़ के रखियो, छोड़ियो नहीं। ला छोड़े चोरी दे। और फिर YouTube के कसाई के पास एक और कंटेंट आ गया। ₹50 काटो ओवर एक्टिंग के। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। पकड़ के रखो। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़िबा कर दिया और माशाल्लाह से टर्की के अंदर ना बहुत ताकत होती है, इसके गोश्त के अंदर भी बहुत ताकत होती है और इसके अंदर खुद जाती बहुत ताकत होती है। अगर आप इसको पकड़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा हिलता जुलता बहुत। तकरीबन हमें 5 मिनट हो चुके हैं इसको ज़िबा किए हुए और अभी तक मुसलसल ना इसको हमने पकड़ के रखा हुआ है, हिले जा रहा है और खून भी इतना सारा निकला है, ऐसा लग रहा है बकरा ज़िबा करा है मैंने। अल्लाह की शान है यार माशाल्लाह से। खाल उतारने का असल प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। भाई साहब माशाल्लाह चेक करो यार, कितनी बड़ी टर्की है भाई। अबे इतना जॉइंट है ये टर्की। अब इसका वजन चेक करो, कम से कम भी 10 किलो का होगा। इसका जॉइंट पना चेक करो, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना बड़ा मुर्गा है। ओ भाई साहब उठा के चेक करो कितना भारी है। ओ भाई वाह 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 ला 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 लोरी दूध। भाई इसका मतलब अलग ही स्वैग है यार माशाल्लाह। सारी चीजें हम लोगों ने कर दी हैं, पूरा टर्की को ज़िबा कर दिया है माशाल्लाह। ये रहा हमारा टर्की, अभी बंद करो और ये चेक करो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास है सबसे पहले धनिया, उसके बाद हमारे पास है बटर, धनिया पाउडर, ये कुछ मसाले हैं बताता हूँ कौन से। और ये भी धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है, ये काली मिर्च है, ये गर्म मसाला है। तो भाई साहब अब तो मजा आने वाला है। भाई तुम लोग सब तैयार हो ना खाने के लिए? भीड़ू अब तो मजा आने वाला है। अरे भीड़ू ऐसा चूल्हा देखा है, ट्रांसपेरेंट भाई, अंदर पता नहीं क्या सीन है। सोचो इसमें कैसे पक सकता है। अभी आपका भाई दिखाता है, ये चेक करो। अरे भाई साहब ये देखो, ये देखो। ओए 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 ओए। अरे भाई साहब इसके अंदर हम उसको पकाएंगे, अल्लाह करे बस पक जाए। अबे मगर एक मिनट, ये इसके अंदर आ जाएगा पूरा। हमारा टर्की तो इतना बड़ा है। इसको हम डाल के चेक करते हैं कि ये आएगा भी नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह करे आ जाए। अबे यार अब क्या करें यार। अब एक काम करता हूँ, तो मैं आधा कर देता हूँ फिर इसके अंदर डाल के पकाता हूँ। अभी तो मसाला भी तो लगाना है। चलो भाई जल्दी जल्दी काम पे लग जाओ सारे बॉयज। अबे पागल खाल नहीं निकलती इसकी। ये क्या है? भाई ये चर्बी लगी रहती है, अगर ये चर्बी लगी रहेगी जभी तो मजे का पकेगा। अभी हम पका रहे हैं ये और इसके ऊपर हम लगाते हैं जल्दी जल्दी मसाला। ये रहा लहसुन अदरक का पेस्ट, सबसे पहले हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट लगा लेते हैं। इसको चेक करो भाई, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, खुशबू आ रही है लोंडो। सुबह से बनियान की बदबू से ना ये वाली खुशबू नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है बकरे का गोश्त है। क्या डालो? अभी हम इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला, ये चेक करो। गरम मसाला हमने डाल दिया अच्छा खासा। थोड़ी सी इसकी हम करेंगे लप्पा पोती।
फिर धनिया पाउडर, अब हम डालेंगे इसके अंदर अचार गोश्त का मसाला। चेक करो, अबे खुल, मेरा मसाला डालेगा? अचार गोश्त का मसाला, खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है भीड़ू भाई। ये हम इसमें लगा रहे हैं बटर। अब आप सोच रहे होंगे कि बटर क्यों लगा रहा हूँ। बटर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमारा जो चूल्हा है ना वो है बगैर तेल वाला, तो थोड़ा सा बटर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये जूसी हो जाए थोड़ा सा। दादी कट क्यों लगा रहे हो? भाई कट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसके अंग अंग में मसाला घुस जाए। बिस्मिल्लाह, अब इसके अंग अंग में मसाला घुस जाए। ये चेक करो, इसके अंग अंग में मसाला घुस गया और फुल लदा लद मसाला हो रहा है। इसको डालेंगे इसके अंदर। ये चेक करो भाई, एक तो चलो हमारा आ गया। हमारी टर्की इतनी बड़ी थी कि वो इसमें आ ही नहीं रही, फुल हार्ट वाला शेप बन गया बीडू। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है, इतनी खुशबू आ रही है। अभी एक चीज तो भूल ही गए भाई, ये अभी हम डालेंगे इसके अंदर प्याज, क्योंकि प्याज की खुशबू आएगी ना तो ये और लेवल का हो जाएगा। ये हमारी अम्मा साहिबा ने प्याज दी थी हमें, ये इसके अंदर डाल दी। और हम इसके अंदर डालेंगे ये धनिया, ये हमने इसको तोड़ा और फिर इसके ऊपर ऐसे करके डाल दिया यहाँ पे। इसकी जब खुशबू आएगी ना तो एक अलग ही लेवल का हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, फाद भाई बन सकते नहीं बन सकते शेफ। और अब हम इसको बंद कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतजार करना है पूरे पूरे 15 मिनट का। थोड़ा सा इंतजार कर लो, रुको जरा, सबर करो, 15 मिनट बाद हमारे पेटू में जाएगी ये सब चीजें। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा सामान पकना स्टार्ट हो गया है और इसमें से ना गर्माइश भी आ रही है और अजीब सी कोई सिचुएशन हुई भी है। इसमें ये सीन टाइट है कि ना इसमें देख भी सकते हैं कि भाई पक रहा है। ये मशीन कहाँ से चुराई है? ये मशीन स्पॉन्सर है, अरे jmart.pk की तरफ से मिली है भीड़ू। यार माशाल्लाह से चेक करो अंदर का क्या मंजर है उस्ताद, अलग ही लेवल का है यार, खूबसूरत। हमारा टर्की फुल बन रहा है भीड़ू, मजा आ जाएगा। आए, आए। अबे पागल, इस पे हाथ नहीं लगा, जल जाएगा। ये शीशा बहुत गर्म है, तेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता? ये देखो चाइनीज में लिखा ची पांच शीशे को, आई गर्माइश आ रही है, फुल टाइम गर्माइश। अभी से दो की आदत डाल दो। इतना भी मक्खन था ना वो सारा इस प्लेट के अंदर आ चुका है, मतलब ये बन रहा है। और ये चेक करो, इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया माशाल्लाह से, यार अलग ही लेवल हो गया। चेक करो, ब्राउन ब्राउन हो गया और अंदर से गोश्त भी गलना शुरू हो गया और फुल जूस इसका गिर रहा है, फुल जूसी होगा, मज़ा ही आ जाएगा यार ये तो खा के। भाई साहब माशाल्लाह से पक गया है भाई, पक गया है, फुल लाल लाल हो गया है भाई। अरे माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, पक गया है भीड़ू। इसको रखते हैं हम इधर। ओ भाई फुल रन, अबे बकरे की रन लग रही है। दूसरा वाला भी उठाता हूँ, फुल टाइम गर्म हो रहा है उस्ताद। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब गोश्त कैसे गिरा, ये देखो फुल टेंडर हो चुकी है भाई बोटी। और अब हम इसको खाएंगे। मजा आ गया उस्ताद यार, मजा आ गया उस्ताद। अरे सच में बहुत मजे की बनी है भाई। अबे कौन हो भाई, बड़ा ही डैश आदमी, अभी से शुरू कर दिया। अबे मैं भाई भाग गया, चल भाई का काम कर अपना, चल निकल यहां से। अबे घट पीछे हो, मैं जानते ही नहीं मैं तेरा उस्ताद हूं। चेक तो करें कैसा है यार, ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं हम खा के। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला। थोड़ी ओ भाई साहब, ये रहा निवाला माशाल्लाह, धुआं चेक करो कैसा निकल रहा है। ओए होए 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 होए, अरे भाई साहब मतलब हाथ ही नहीं रुक रहे, ये लोग तो खाए जा रहे हैं। सुनो भाई कैसा बना है? अबे टूट ही नहीं रहा वो तो। अबे पागल आदमी, बोलो अच्छा बना है। अबे यार बहुत जबरदस्त बना है, बहुत जबरदस्त बना है ना भाई, कैसा बना है? बहुत आला है यार, मतलब अलग ही लेवल है उस्ताद। यार माशाल्लाह से सच्ची सच्ची बात बताऊँ, बहुत मजे का बना है नो डाउट। और ये देखो, ये टेंडर देखो गोश्त का, ये देखो ये देखो, ये टूटी है, देखो ये बोटी है माशाल्लाह। टर्की का जो गोश्त होता है ना ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, का गोश्त इतना ज्यादा फायदेमंद होता है, ये जब आप खाते हो ना आपके अंदर एक अलग ही पावर आ जाए, ताकत वाला गोश्त। ये देखो ये तो रुक ही नहीं रहे सारे, बैठ के मतलब खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। ये चेक करो भीड़ू, फुल धुआं निकल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आला गोश है यार इसका, मजा ही आ गया भिड़ू भाई, मजा आया। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।